तो जितने भी ऑफिशियल्स इस पार्किंग को आवंटित करने में, उन सभी लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। उसी तरह से पार्किंग घोटाले में सेक्टर 6 मार्केट की इस पार्किंग का नाम आएगा हमेशा। ये कहना चाहूँगा कि सेक्टर 6 मार्केट को ख़त्म करने की साजिश है। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 6 की सेंट्रल मार्केट में। आप देखें यहाँ पे ये पार्किंग है, पूरा जो स्पेस पहले फ्री पार्किंग होती थी, अब पिछले कुछ दिनों में SDMC ने यहाँ पर पेड पार्किंग जो है वो लगा दी है। तमाम कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, बोर्ड लगा हुआ है SDMC का पेड पार्किंग का, और जो लोग हैं वो यहाँ पर पर्ची काटते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। तमाम जो अनियमितताएँ हैं वो इस पार्किंग में हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं साथ में जो उनके कर्मचारी हैं उनसे। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मोहित है। मोहित, मोहित आपकी वर्दी कहाँ है? सर मेरी वर्दी अभी बैग में रखी है, वो लड़का एक्चुअली दूसरा है, वो खाना खाने गया हुआ, तो मैं 5-10 मिनट के लिए खड़ा हूँ अभी, बस वो खाने। पार्किंग का जो ये गेट है, यहाँ एक बूम बैरियर होना चाहिए, बैरियर वगैरह कुछ नहीं है, आगे रख रखा वो भी अब लगने वाला है, बस वो थोड़ा सा काम में एक्चुअली बिजी हुए हैं तो वो लगवाएंगे आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है। दोनों पहले आप लोग ये सर्विस लाइन पे पर्चियां काटते थे, अब वहाँ पे पर्चियां काटनी क्यों बंद कर दी? एक्चुअली सर अभी कुछ दिन हुए मेरे को, शुरू से मैं भी नहीं आ रहा, तो पहले का पता नहीं, अब तो अंदर का ही है फिलहाल। कॉन्ट्रैक्टर कौन है आपके? सर विजय कुमार सिंगल। विजय कुमार, कहाँ कुछ जानकारी का है, कोई दस्तावेज वगैरह, कोई बोर्ड वगैरह लगाया आपने जानकारी? बोर्ड्स वगैरह तो यही लगे हुए हैं फिलहाल, बाकी हम भी काम ही करते हैं, हमें भी इतना नहीं पता। कौन सा बोर्ड? ये जो लगा हुआ है बोर्ड? अच्छा, तो ये वाला बोर्ड जरा दिखाइए, जरा इस बोर्ड पे आप पढ़ के बताइए क्या कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या लिखा है वहाँ पे? कुमार सिंगल एज एसोसिएट। और आगे क्या लिखा है? CEO अनिल शर्मा एडवोकेट। तो ये CEO का मतलब केयर ऑफ हुआ? सर इतना तो मुझे पता नहीं, पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछा वो मैंने बता दिया आपको, इतना मैं भी नहीं जानता। सर मैं अनिल शर्मा एडवोकेट कौन है? अनिल शर्मा एडवोकेट सर इतना मैंने इनको तो देखा नहीं, विजय कुमार सिंगल जी को तो देखा मैंने, अनिल शर्मा जी को देखा नहीं मैंने। जहाँ तक मेरी नॉलेज है जो अनिल शर्मा एडवोकेट हैं ये तो डिफॉल्टर हैं SDMC के, बहुत पुराने। मतलब FIR दर्ज है SDMC की तरफ? सर इतना मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं भी काम ही करता हूँ यहाँ पे, मेरे को भी उनके बारे में इतनी नॉलेज तो है नहीं, मैं भी अपना काम करता हूँ, बस इतना ही है। आप जानते हैं अनिल शर्मा को? मैं नहीं जानता सर पर्सनली तो किसी को भी। एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि द्वारका सेक्टर 6 जो मार्केट है द्वारका B वार्ड के अंतर्गत आती है। द्वारका B वार्ड से जो निगम पार्षद हैं कमलजीत सहरावत हैं, मेयर रही हैं, साथ में नेता सदन रही हैं SDMC की, अगर उनके यहाँ पे इस तरह के वाकयात हैं तब सोचिए SDMC की जो स्थिति है वो क्या होगी और भ्रष्टाचार जो है वो किस कदर होगा। द्वारका सेक्टर 6 मार्केट का ये बीच वाला गेट है, आप देखें यहाँ पे बूम बैरियर लगा हुआ है लेकिन कार्यरत नहीं है, एक रस्सी के सहारे जो है वाहनों को आवाजाही जो है उनकी की जा रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि पार्किंग में एक तरह से कहें तो अटेंडेंट के तौर पर यहाँ पर हैं। आप देखें वर्दी जो है वो इनके पास भी नहीं है, वर्दी के नाम पर एक इस तरह का जो है ये इनको पहना दिया गया है। कहाँ वर्दी कहाँ है आपकी? नहीं है सर, यही बस यही दिया गया है हमको पहनने के लिए। अच्छा, ठेकेदार ने बोला यही आपकी वर्दी है? जी सर। अच्छा, तो ये आपका बूम बैरियर वगैरह भी नहीं है, रस्सी के सहारे आप लोग व्यवस्था चला रहे हैं? बैरियर था ये, गाड़ी वाले ने तोड़ दिया है। तो ये कितना दिन हो गया तोड़े हुए? दो दिन। तो अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर कौन है या कोई जानकारी है आपके पास में कहीं? कुछ लाइसेंस भी है? लाइसेंस है, दिखाइए जरा। या कुछ यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह लगाया हुआ आपने? एक बार खड़े हो जाइए, ये सामने जो बोर्ड लगा है आप घुमाइए जरा कैमरा उस तरफ, उसको जरा पढ़ के बताइए कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या लिखा है वहाँ पे? सर मुझे नहीं पता। द्वारका सेक्टर 6 की जो सेंट्रल मार्केट है वहाँ पे जो पार्किंग है SDMC के द्वारा जारी की हुई उसमें तमाम अनियमितताएं हैं, इसके बारे में हम लोगों ने खुद पड़ताल की। अब इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ेंगे ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के कुछ पदाधिकारी, हमारे साथ मौजूद हैं रॉबिन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की अनियमितताएं आपने यहां पे देखी और कहां पे शिकायतें की और क्या कुछ आप चाहते हैं? देखिए जिस तरह से हम लोग कई बार कहते हैं कि आर्म्स घोटाले में बोफोर्स का नाम आता है, उसी तरह से पार्किंग घोटाले में सेक्टर 6 मार्केट की इस पार्किंग का नाम आएगा हमेशा। इससे बड़ा घोटाला पार्किंग के मामले में आज तक ना हम लोगों ने देखा ना सुना कि यहाँ पे सर्विस रोड पे आप पार्किंग नहीं दे सकते क्योंकि ये DDA लैंड ओनिंग एजेंसी है और सर्विस रोड पे पार्किंग हो नहीं सकती। तो फिर इसकी शिकायत जब ये पत्र दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पास गया और राजदत्त जी ने जब बात की तो उसके बाद में MCD ने सर्विस रोड से पार्किंग को लेना बंद किया है। तो ये अवैध उगाही नहीं तो और क्या था,
अगर ये सही होते तो उसको जारी रखते ना, उसको निरस्त क्यों किया? देखिए अब मैं आपको ना ये जरा मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन इसको दिखाएं, ये द्वारका सेक्टर 6 मार्केट का रिजर्व प्राइस है, 2,00,000 रुपये इन्होंने रखा। अब हम यहीं चलते हैं द्वारका सेक्टर 11 की मार्केट, 1,90,000 रुपये। यहाँ पे आप सर्विस रोड भी उठा के दे रहे हो, वहाँ पे नहीं दे रहे। आप चाहते थे कि ये बाकी जगह पे, क्योंकि इनका पार्किंग माफिया के साथ में साठगांठ नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, जो अंदर का सिर्फ अंदर अंदर के रिजर्व प्राइस बहुत ज़्यादा कोट कर दिए, 4,00,000, 3,20,000। इन्हें पता था कि अंदर कोई भी आदमी इस पार्किंग को नहीं लेगा टेंडर में, और यहाँ पे सर्विस रोड भी दे रहे हैं और अंदर भी दे रहे हैं सिर्फ 2,00,000 रुपये में। ये साठगांठ नहीं तो और है क्या? ये घोटाला नहीं तो और था क्या? हमें बताया जाता कि ये पार्किंग अनिल शर्मा जी की पार्किंग है। आप तो हमें खुद जो MCD के जो बड़े अधिकारी हैं, मैं अभी नाम कैमरे पर उनका लेना पसंद नहीं करूँगा, तो उन्होंने स्वयं इस बात को बोला कि भाई अनिल शर्मा पे तो 150 करोड़ रुपये का बकाया MCD का। तो हमने कहा जब उस आदमी पे इतना बकाया है तो आपने टेंडर कैसे आवंटित कर दिया, और चौड़े में अगर अनिल शर्मा के नाम पे पार्किंग चल रही है तो MCD उसको निरस्त क्यों नहीं कर रही? करे ना रिकवर आके। तो जितने भी ऑफिशियल्स इस पार्किंग को आवंटित करने में जिम्मेवार है, जिन्होंने पहले गलत नक्शे जारी किए, उन सभी लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कुछ और लोग मौजूद हैं मार्केट से जुड़े हुए, आगे क्या कुछ सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब मैं देखता हूँ काफ़ी कम संख्या हो गई बाजार में आने वाले। इसका पार्किंग होने से ग्राहकों के ऊपर और दुकानदारों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये भाई एक तरफ जो है यहाँ पे पर्ची कटती है SDMC की, जो पार्किंग है उसको लोगों को पे करना होता है, दूसरी तरफ सामने सेक्टर 10 की मार्केट लें, सेक्टर 4 की, 5 की, 11 की, 12 की, सभी मार्केटें फ्री हैं, तो ऐसे में लोग यहाँ पे क्यों आए? जाहिर है कि जो दुकानदार हैं उनका भी नुकसान होता होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं तो, हम लोग पार्किंग के विरोध में नहीं है, हम लोग सरकार को हर तरह का टैक्स भर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि द्वारका में जितनी मार्केट है, या तो SDMC नियम बना के सभी मार्केट में एक दिन एक साथ लागू करे, तब तो समझ में आता है। लेकिन क्या सिर्फ मार्केट के सेक्टर 6 मार्केट के 2,00,000 रुपये के रेवेन्यू से पूरे SDMC का खर्चा चलेगा? ऐसा नहीं है। ये एक जगह करनी नहीं, ये केवल और केवल साजिश के तहत। एक तो मैं सेक्टर 6 ये कहना चाहूँगा कि सेक्टर 6 मार्केट को ख़त्म करने की साजिश है। देखिए मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, पार्किंग से मुक्ति लोगों को मिलनी चाहिए और ये बहुत जल्द मिलेगी। हमने सारी अनियमितताएं जो इसके अंदर है, जो भ्रष्टाचार है, उसके सारे सबूत सरकार को दे दिए हैं और कोर्ट में भी हम लोग इसको जमा करा चुके हैं। भ्रष्टाचार के सबूत जो हमें देने हैं अब कोर्ट में आगे आने वाले डेट्स में हम अवेलेबल करा देंगे। राजदत्त गहलोत जी वो भी पूरी तरह सक्रिय होकर इस पर काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है ये लोग ये करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और रोबिन शर्मा बताते हुए सेक्टर 6 की मार्केट के बारे में, साथ ही पार्किंग के बारे में, उसमें जो व्याप्त अनियमितताएं हैं उनके बारे में, और उम्मीद करते हुए कि जल्दी ही मार्केट को इस सबसे आज़ादी मिलेगी। सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।